हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। फ्रेंड्स, कल संडे का दिन था और मैं कुछ प्लांट्स लेने के लिए नर्सरी गई थी, जहाँ मुझे विंटर का सीडलिंग जो चाहिए था वो मुझको लेना था, लेकिन वो तो नहीं मिल पाया। कुछ ऐसे प्लांट्स मिले जो मेरे अभी गार्डन में नहीं है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा प्लांट्स लेकर के आई हूँ। सबसे पहला जो प्लांट्स लेकर के मैं आई हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये लक्ष्मी कमल या विष्णुवर क्या करके बोल करके दिया, ये सकुलेंट प्लांट है और मैं अपने गार्डन में ये सेकेंड टाइम लेकर के आई हूँ। इसके पहले एक और प्लांट लेकर के आई थी जो मेरा गार्डन में मर गया था, ख़राब हो गया था, ये फिर से लेकर के आई हूँ। और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर दोस्त हैं सभी का मैं वीडियो देखती हूँ, तो लोग सकुलेंट उन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। मैं कोशिश करूँगी सभी का देख करके कि मैं इस प्लांट को बचा सकूँ, अगर ये प्लांट बच जाता है तो मैं आगे भी सकुलेंट प्लांट ला करके लगाती रहूँगी, क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी सकुलेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये देख सकते हैं, और ये सब जिसको कल बोला कि कम पानी डालिएगा, और मिट्टी तो मैं जानती हूँ कि किस तरह से उसे बनाते हैं, तो उस तरह से मैं भी बना करके देखती हूँ। तो चलिए, और कौन कौन सा प्लांट्स मैं लेकर के आई हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्लांट जो मुझे मिला है 160 का, वह आप लोग बताइएगा प्लांट सही दाम में मिला है कि नहीं, वो तो इतना पता भी नहीं है सपने का। और एक और प्लांट ये देख सकते हैं, ये भी स्पाइडर प्लांट है, बैरिकेटेड वाला है, मेरे पास प्लेन प्लांट है। वो भी मैं किसी से कटिंग लेकर के आई थी, वो जो रनर निकलता छोटा छोटा सा उसका बेबी प्लांट, वो मैं ला करके लगाई थी सैंड में, तो लग गया है। और ये जो मेरे पास में है ये भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये स्पाइडर प्लांट जो है ये मेरे पास में भी पहली बार आया, ये भी मुझे 160 का पड़ा है। तो इसका भी मुझे रेट नहीं पता कि किस तरह का ये कितना में मिलता है, तो ये दोनों प्लांट जो है मुझे 160 का मिला है। और ये देख सकते हैं, ये छूमू, ये तो छूमू एकदम ख़राब रहा था, तो इस तरह से वो लोग दे दिए कि लेते जाइए, अगर लग जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ से लेके प्लांट आती रहती हूँ। और ये देख सकते हैं, ये एक ही प्लांट मुझे मिला विंटर का, ये देख सकते हैं, ये डेंथस का प्लांट है, अरे वाइट कलर का इसमें फ्लावर है, प्लांट बहुत हेल्दी है पौधा है। और ये देख सकते हैं इसमें वाइट कलर का, दो तीन साल से मेरे पास में डेंथस का सारा कलर बच जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि मेरा डेंथस मेरे गार्डन से एकदम ख़त्म हो गया। तो ये मुझे 20 का पड़ा और प्लांट वाइट कलर का है, इसके पास एक ही बचा हुआ था, सारा बिक गया था, तो ये मुझे वाइट कलर का मिला है। ये देख सकते हैं बिंका, इसका कलर बहुत डीप है, लेकिन अभी इसमें वीडियो में उतना अच्छा से नहीं आ रहा है, ये फ्लावर खिला ही है, देख सकते हैं बर्ड्स भी बहुत सारा बना हुआ। ये भी मुझे 20 का मिला, ये कलर मेरे पास में नहीं था, तो ये मैं लेके आई हूँ। मेरे पास में दो तीन कलर है, कुछ तो जो है बारिश में ख़राब भी हो गया है, लेकिन इसको नीचे ही लगा के रख देंगे, तो देख सकते हैं ये भी मुझे 20 का पड़ा है, ये प्लांट भी हेल्दी है। और ये जो तीन देख रहे हैं, ये तीन जो है मेरी गोल्ड है, मेरे पास अभी सीडलिंग भी छोटा छोटा सा प्लांट है, तो अभी थोड़ा सा बड़ा था, ऐसा ग्रोथ भी अच्छा था, ऊपर से कटिंग करके भी इस प्लांट को लग सकता है, यहाँ से काट दीजिएगा, एक प्लांट से दो प्लांट पड़ जाएगा, कटिंग से भी लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता, 20-20 रुपीज़ का दे रहा था। और प्लांट भी देख सकते हैं कितना हेल्दी है, और इसमें देख सकते हैं इसमें बड्स भी बढ़ रहा है, बड्स को हटा देंगे, क्योंकि बड्स अगर भी लेने लगेंगे तो प्लांट जो है उतना ज़्यादा अच्छे से मैच्योर भी नहीं हो पाए, देख सकती है बहुत मतलब छोटा प्लांट और बड्स बनता है, क्योंकि नर्सरी वाला पता नहीं क्या डालते हैं कि बड्स इतना जल्दी बनता है। हमारे यहाँ बड्स जो है अक्टूबर नवंबर से, नवंबर से खिलना शुरू होता है, कोई भी मेरे यहाँ जो है विंटर का फ्लावर जो प्लांट जो मिलता है लेट से खिलता है और लेट तक खिलते रहता है, मई जून तक खिलते रहता है। तो ये भी मुझे 20 रुपीज़ का एक प्लांट पड़ा है, 60 का ये तीन प्लांट है। और ये देख सकते हैं इस तरह से ये जो होता है जूट का बुरा होता है, प्लास्टिक जो होता है उसी में लगा हुआ है, ये मुझे जो है 80 रुपीज़ का पड़ा। ये मेरे पास में पहले भी प्लांट था, ये किन्हीं को चाहिए था, बार बार मेरा प्लांट देखते थे तो बोलते थे ये प्लांट हमको भी चाहिए, तो इसलिए लेकर के आए 80 रुपीज़ का प्लांट का। देखिए फ्लावर सेम ही है जो मेरे पास में है वही फ्लावर है, प्लांट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, कटिंग से लगा हुआ, कटिंग भी देख सकते बहुत सारा पतला है और दो तीन ब्रांच है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लांट लगाने के बाद ही प्लांट अपने गार्डन में उसको जिस तरह से रखिएगा उसी तरह से प्लांट बन जाता है। तो चलिए ये 80 रुपीज़ का पड़ा है ये भी प्लांट, तो इस तरह से कुछ मैं गार्डन का शॉपिंग करके लेके गए। वो लोग बोलते हैं 10-15 दिन के बाद जो हमारे यहाँ का विंटर का जो सीडलिंग आता है वो आ जाएगा, तो फिर मैं और भी लेकर के आऊँगी। और एक प्लांट ये देख सकते हैं, ये मैं सबके पास देखती थी इस तरह का, इसमें क्या ये कोई दियाबाती करके प्लांट होता है, वही है शायद, आप लोग बताइएगा। इस तरह से इसका बीज बना हुआ है और देख सकते हैं ये पूरा सूख गया है, क्योंकि कल शाम का लाया हुआ प्लांट है, और इस तरह से वो तोड़ के दिया जिसके गार्डन में ये लगा हुआ था, ये पूरा बहुत बड़ा सा प्लांट और बहुत ज़्यादा था, और उसमें शाम का समय तो फ्लावर भी खिला हुआ था ये रेड कलर का, और शायद ये जो है बीज बन गया है, ये सब जो शायद है बीज बन गया है या कली है, पता तो नहीं चलता हमको, क्योंकि मेरे पास नहीं है पहले से प्लांट है। तो इस तरह से कटिंग को ये तोड़ करके दे दिए, बोलेगा अगर लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप आकर के इसका बीज ले लीजिएगा, तो शायद ये बीज से भी लग जाता है, दियाबाती प्लांट है। जिनके पास में भी दियाबाती प्लांट है मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है यही दियाबाती प्लांट है,
तो ज़रूर बताइएगा कि दियाबाती प्लांट है या नहीं है, और कटिंग से कोशिश करते हैं लगाने का, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ से बीज भी लेकर के आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी में ये प्लांट नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।